हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियो सरिप्ता। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारे अंडर आर्म्स के आर्मपिट के जो हेयर होते हैं उसकी जो ग्रोथ होती है उसको हम कैसे स्लो कर सकते हैं, कैसे हम परमानेंटली उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें टोटली होम रेमेडी करना पड़ेगा और ये होम रेमेडी 100% नेचुरल है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई भी चीज़ रातों रात हो जाएगी। हमें बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि ये होम रेमेडी हमारा वर्क करेगा और उसके बाद उसका रिजल्ट आपको अपने आप समझ में आएगा। बस हमें इसको कंटिन्यू यूज करते रहना है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हमारे आर्मपिट के जो हेयर्स होते हैं वो टोटली खत्म हो जाएंगे और या फिर उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने रॉ मिल्क लिया है, उसमें मैंने हल्दी को डाला है। अब हम इसमें बेसन को मिक्स करेंगे। हल्दी जो है वो हमारा एंटीसेप्टिक का काम करेगा और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रॉ मिल्क जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड होता है। अब हम अपने अंडर आर्म्स को हल्के गुनगुने पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। जैसे मैंने पूछ लिया है, वॉश कर लिया है। अब हम इस पेस्ट को अपने अंडर आर्म्स में रब कर लेंगे। दोनों अंडर आर्म्स में हम इसको लगा लेंगे जैसे कि मैंने लगाया है। लगाने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और सर्कुलर मोशन में रब करेंगे। सो गाइस, ये देखिए मेरे अंडर आर्म्स का रिजल्ट मैंने आपको दिखाया। वॉश करने के बाद मेरे अंडर आर्म्स के में जितने भी बाल थे, आर्मपिट में जितने भी बाल थे, वो बाल अब धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं। ये जो पैक है, ये पैक मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इस पैक को यूज़ करने के मेरे दो रीज़न हैं। और एक फर्स्ट रीज़न ये है कि इसमें अंडर आर्म्स के जितने भी बाल थे वो तो ख़त्म हो ही गए, साथ ही साथ हमारे अंडर आर्म्स में अगर कोई डार्क पैचेस भी हैं, डार्कनेस भी है, तो वो भी खत्म हो गया है। सो आई विल सजेस्ट कि स्टार्टिंग के समय में आप इस पैक को डेली यूज करिए ताकि इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सके। और जब आपको इसका रिजल्ट अच्छा लगने लगेगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं, आपके आर्मपिट का जो नेचुरल कलर है वो भी आपको मिल रहा है और आर्मपिट में जो बाल हैं वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आप फिर इसको हम वीकली 2 डेज या 3 डेज यूज कर सकते हैं। So bye bye and take care.